नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। बताइएगा आप लोग के लेकर वीडियो के लेकर आइए, आपका डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। मनरेगा योजना में जांच करने पहुंचे उप प्रमुख के साथ मुखिया प्रतिनिधि ने दिखाई दबंग गिरी, पत्रकारों का भी छीना मोबाइल। डंडई प्रखंड क्षेत्र के रारो गांव में शनिवार को वीडियो के कथित आदेश पर रारो पंचायत सचिव सुदर्शन राम की उपस्थिति में संचालित मनरेगा योजना कार्य को देखने गए उप प्रमुख आनंद प्रकाश, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता व अन्य नेताओं के साथ रारो मुखिया प्रतिनिधि पंकज विश्वकर्मा ने जांच स्थल पर पहुंचकर दबंगे दिखा दी। उन्होंने विकास योजनाओं में अवरुद्ध पैदा करने की बात कहते हुए विभिन्न तरह की धमकी दी। उक्त लोग रारो पंचायत के बेलवाचिकल स्कूल के पास तीन मुहान मुख्य सड़क से राजकुमार के घर होते हुए भिवनी बांध तक तथा बेलवाचिकल स्कूल से उकनी घाट तक मनरेगा की सड़क देखने पहुंचे थे। इसी दरमियान रारो पंचायत के मुखिया 8-10 लोगों के साथ जांच स्थल पर पहुंचे और दबंगे दिखाते हुए अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने उक्त लोगों को धमकी देते हुए कह डाला कि आप लोग किसके आदेश पर रारो पंचायत में घुसे हुए हैं, यहाँ बिना मेरे आदेश के बीडीओ डीसी एसपी योजना जांच करने नहीं आ सकते, आप मेरे पंचायत में कैसे आ गए, चिट्ठी दिखाइए। वहीं उप प्रमुख की सूचना पर खबर संकलन करने पहुंचे पत्रकारों को भी उसी लैंग्वेज में ध्वस्त दिखाते हुए बोल डाला कि किसके आदेश पर रारो पंचायत में आए हुए हैं, यहाँ से लौट जाइए, नहीं तो यह नक्सली बेल्ट है, कुछ भी हो जाएगा। इसी दौरान प्रतिनिधि और उसके सहयोगी ने सभी मीडिया बंधुओं का मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया और दुर्व्यवहार किया गया। वहीं पंचायत में दोबारा घुसने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मुखिया के दबंगे से पत्रकारों में दहशत का माहौल है। पत्रकारों ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और दबंगई दिखाने वाले मुखिया प्रतिनिधि पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आग्रह किया है। बताया गया कि मुखिया प्रतिनिधि पंकज विश्वकर्मा भाजपा के मंडल पर भारी भी हैं। आज मीडिया के माध्यम से रारो पंचायत का जो मशीन से वर्क करने का जो मनरेगा योजनाओं में हम लोग खबर पढ़े, उसके बाद आज मैं उप प्रमुख के नाते जांच करने वीडियो से बात करके पंचायत सचिव को मौखिक आदेश दिलवा करके साथ में लेकर के गए जांच को अवरुद्ध करने के लिए। मुखिया पति अपने 10-20 सहयोगियों के साथ आकर के जांच में बाधा उत्पन्न किए और हमारे पत्रकार बंधु का भी मोबाइल लूट करके फेंक दिया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। जांच में सहयोग करना चाहिए किन्हीं का, न कि मीडिया बंधु का या किन्हीं का प्रतिष्ठा हनन किया जाए, यह बहुत निंदनीय बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं क्योंकि हमारे पत्रकार बंधु एक ऐसे स्तंभ हैं जिनको सारी दुनिया जानती है कि हम कभी भी जो बात नहीं कह पाते हैं कहीं मीडिया के माध्यम से कह करके उस बात को हम, मैं इस बारे में कुछ पहले भी बता चुका आपको कि हमारे मीडिया बंधु को और हमें भी पंचायत सचिव के सामने यह कहा गया कि आप नहीं जानते हैं रारो कैसा जगह है, रारो एक ऐसा जगह है यहाँ नक्सल गतिविधि चलता है, अगर कहीं आप लोगों के जांच के क्रम में अगर किसी प्रकार का होता है तो इसकी जवाबदेही हम नहीं है। हम इस प्रेस मीडिया के माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या पंकज विश्वकर्मा नक्सली गतिविधि का शामिल रहते हैं क्या, कि नक्सल में कुछ कार्रवाई हो तो उनको ना हम लोग कहें। और जो मीडिया बंधु को एक योजना जांच के बाद जो वो अपने सहयोगियों के साथ उनके साथ अभद्रता करते हुए और उन्हें वहीं से जो खदेड़ करके भगा दिया गया कि आप अगर आगे जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, इसलिए अपने डर दिखा करके जिस तरीके से मीडिया बंधु के लोगों को वापस किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि पंकज विश्वकर्मा जो डंडई रारो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति हैं, इसी तरीके का धमकी दिखाते हुए हो सकता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हो अपने से,
CBSE पर आधारित इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू क्लास सिक्स तक नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, स्थान सीमित है। दूर दराज के छात्रों के लिए यातायात वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।